नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिशु पटेल। इनसे जानेंगे कि हिलसा में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। हिलसा नगर परिषद के 26 वार्ड है और मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का डायरेक्ट इस बार वोटिंग है। क्या राय है आपकी? सबसे पहले मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नगर परिषद में इस बार मतलब डायरेक्ट चुनाव होने वाली है। वार्ड पार्षद 10 सितंबर को डेट रखा गया है। 10 अक्टूबर को वोटिंग है और 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होना है। इसी के बीच में सभी मतदाताओं से अपील है कि अपना मूल वोट देकर अपने प्रत्याशी को जिताएं। और हम तो चाहते हैं कि नगर परिषद में एक अच्छे युवा संघर्षशील को लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे से आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें देखना आप ही को होगा कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन करेंगे। अब इसी बात पर हम क्या हिलसा में काफ़ी चर्चाएं हैं। बड़े बड़े लोग चुनाव में आ रहे हैं मुख्य पार्षद के लिए। हिलसा के विधायक रामचरित प्रसाद जी, युवा नेता धनंजय कुमार जी, आपके भोली जी है या पंकज जी है, बहुत काफ़ी बड़े बड़े नेतागण आए हैं इस बार चुनाव में। क्या लग रहा है सहगर्मी इस बार डायरेक्ट चुनाव होने से कितना बदल गया है हिलसा का माहौल? ये तो सही बात है कि सरगर्मी है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि युवाओं को सोचना होगा कि हम किन्हें वोट करें और किन्हें ना करें। हम यही अपील करना चाहेंगे कि अच्छे अच्छे प्रत्याशी को चुने नगर परिषद में और काम करने वाले को चुने, जो युवाओं को लेकर चले, सभी को सम्मान दे, उन्हीं को वोट करें। पहले का चुनाव और आप का चुनाव में कितना फर्क आ गया है? पहले के चुनाव में और के चुनाव में बहुत सा फर्क पड़ा है। पहले उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब देख रहे हैं कि चढ़ बढ़ कर युवाओं भी आगे आ रहे हैं और हिलसा में एक ऐसी लग रहा है कि युवाओं की जोश अलग है और हमें तो लगता है कि इस बार युवाओं की ही सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि अब वार्ड में अब देखने को मिला कि बहुत कम लोग प्रत्याशी आ रहे हैं। एक वार्ड में पहले 20 को 25 को आ जाते थे, अब 3 से 4 लोग हैं। वार्ड के पीछे रुझान कम हुआ, थोड़ा जागरूकता आई है और हमें तो लगता है कि वार्ड में जो भी होंगे चुनाव लड़ने वाले, कहीं ना कहीं अच्छे काम करने वाले को फिर वापसी होगी और ना करने वाले की तो जनता नकार ही देगी। और मुख्य यहाँ के जो मुद्दा आए हैं, सुरक्षा, बिजली और मतलब कि स्ट्रीट लाइट वगैरह, जो फॉगिंग मशीन जो हर गली अथी में चलना चाहिए और नली गली साफ रहनी चाहिए और स्वच्छता के ओर सब चीज़ की ओर आ गया, ये सब के आगे युवाओं की ही एक सोच आएगी कि जब विकास हो सकता है। अब बताइए कि अब जो चुनाव होगा 5 सालों के लिए हो गया, तो विकास तो पहले की अपेक्षा अब तेजी गति से होना चाहिए। हाँ, तेजी हो गई है। अब पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, अब तो तेजी होनी है विकास। चाहे कोई आप भी एक छात्र हैं, पूरे राजनीति को देख रहे हैं, जगह जगह पर घूम रहे, क्या लग रहा है, क्या सहगर्मी है हिलसा के बाजारों में? युवाओं में जोश है, इस बार युवाओं की ही सरकार बनेगी। धन्यवाद।